मक्खियाँ प्यार करती शहद से, मक्खियाँ प्यार करती शहद से, उनके जीवन का हद है शहद में, ओ फंस गई कर शहद के महक में, फंस गई कर शहद के महक में, तो निकलने की ताकत नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया। सबके घर जाते थे सब त्योहार में, कितना मीठापन रहा व्यवहार में, कितना मीठापन रहा व्यवहार में, अब तो उन रस्मों से प्राणी दूर है, अब तो उन रस्मों से प्राणी दूर है, अपने अपने में सभी मजबूर है, अपने अपने में सभी मजबूर है, आज मन गलता जा रहा, आदमी प्रतिदिन बदलता जा रहा है। बिछे थे फूल राहों में वो पथरीले हुए होंगे, सिसकती चांदनी में हाथ जब पीले हुए होंगे, हमें पर देश में बेमौसमी वर्षा बताती है, हमारी याद में उनके नयन गीले हुए होंगे, हमारी याद। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए भाई खंजन भाई साहब, सुनिएगा, प्यार वार के चक्कर में ज्यादा न पड़िएगा, ये धोखे है सर, मैं सुनाता हूँ सुनिएगा, आज अलग ढंग से पढ़ता हूँ। कि प्यार में जो कदम रख दिए हैं, प्यार में जो कदम रख दिए हैं, उनके जीवन में राहत नहीं है, प्यार में जो कदम रख दिए हैं, उनके जीवन में राहत नहीं है, हुस्न के हैं खरीदार लाखों, हुस्न के हैं खरीदार लाखों, किंतु हर दिल में चाहत नहीं है, प्यार में जो कदम रख दिए, दिल दिया तो दिया है पतंगे, क्या बात है, जिनमें सच्चा सर आशिकी का, दिल दिया तो दिया है पतंगे, जिनमें सच्चा सर आशिकी का, वह स्वयं जाके जल जल के मरते, वह स्वयं जाके जल जल के मरते, दिल जलाने की आदत नहीं बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। और उदाहरण में दे रहा कि प्यार में धोखे होते कैसे हैं, कुछ उदाहरण की प्रतीक सौंपता हूं, सुनिएगा। कि आसमां पर चमकता है चंदा, आसमां पर चमकता है चंदा, और जमी पर विकल है चकोरी, और जमी पर विकल है चकोरी, एक पल को नजर ना बदलती, एक पल को नजर ना बदलती, किंतु चंदा में चाहत नहीं है, जो कदम रख दिए उनके जीवन में राहत। बहुत अच्छे। और ये प्रतीक एकदम सटीक और सरल और बिल्कुल आप सबके बीच से होकर के गुजरा है, अगर आप तक पहुंचे तो कोई हाथ खामोश पर रहे, जितने भी लोग हैं जो दादा हमारे सामने बैठे साल ओढ़े हुए, इनके भी हाथ खुलने चाहिए। ये एक उपमान एक प्रतीक देता हूँ, सुनिएगा। कि मक्खियां प्यार करती शहद से, मक्खियां प्यार करती शहद से, उनके जीवन का हद है शहद में,
उनके जीवन का हद है शहद में, और फंस गई कर शहद के महक में, फंस गई कर शहद के महक में, तो निकलने की ताकत नहीं है। बहुत बढ़िया खंजन जी, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छे। प्यार मोहब्बत का चक्कर बिल्कुल न पड़िएगा, ये पंक्तियां सौंपता हूँ आपके, कि मक्खियां प्यार करती शहद से, मक्खियां प्यार करती शहद से, उनके जीवन का हद है शहद में, ओ फंस गई कर शहद के महक में, फंस गई कर शहद के महक में, तो निकलने की ताकत नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया है। जो कदम रख दिए, अब अंतिम सुनो आप। प्यार फूलों से करते हैं भौरे, प्यार फूलों से करते हैं भौरे, तोड़ता फूल डाली से माली, तोड़ता फूल डाली से माली, ओ दूर होती है खंजन जो खुशबू, दूर होती है खंजन जो खुशबू, कोई करता हिफाजत नहीं है। प्यार में जो कदम रख दिए हैं उनके जीवन में राहत नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हुस्न के हैं खरीदार लाखों, किंतु हर दिल में चाहत नहीं। स्वागत है, स्वागत है। हमारे बच्चे बैठे हैं, एक गीत निवेदित करता हूँ। गांव का परिदृश्य है, गांव से हमारे संस्कार कैसे इधर से उधर हुए हैं, उस गीत का दृश्य होगा। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा रंगीला साहब। स्वागत है, स्वागत। आचरण मानव का गिरता जा रहा, आचरण मानव का गिरता जा रहा, आदमी प्रतिदिन बदलता जा रहा है, आदमी प्रतिदिन बदलता जा रहा, राम और घनश्याम का यह देश है, राम और घनश्याम का यह देश है, संस्कारों का यहाँ परिवेश है, संस्कारों का यहाँ परिवेश है, किंतु अब यह देश दूषित हो गया, किंतु अब यह देश दूषित हो गया, देश का मानव प्रदूषित हो गया, देश का मानव प्रदूषित हो गया, अब न वह बातें पुरानी रह गई, अब न वह बातें पुरानी रह गई, सिर्फ कहने को कहानी रह गई, सिर्फ कहने को कहानी रह गई, आदमी की नियत बौनी हो गई, आदमी की नियत बौनी हो गई, पूरी मर्यादा घिनौनी हो गई। अच्छा, मर्यादा घिनौनी, अद्भुत, वाह। ये ले लो, धर्म धर्म अब धरती में धसता जा रहा, धर्म अब धरती में धसता जा रहा, आदमी प्रतिदिन बदलता जा रहा है, आदमी प्रतिदिन बदलता जा रहा। और गांव में हम कार्यक्रम हो रहा है, कुछ दृश्य सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि अपनी परिपाटी पुरानी है यहाँ, अपनी परिपाटी पुरानी है यहाँ, महापुरुषों की कहानी है जहाँ, महापुरुषों की कहानी है जहाँ,
सत्वहिंसा भी यहाँ सरताज है, सत्वहिंसा भी यहाँ सरताज है, ऋषियों मुनियों संतों का साम्राज्य है, ऋषियों मुनियों संतों का साम्राज्य है। अब एक ये दो पंक्तियां विशेष सौंपता हूं, पूरी खामोशी तोड़िएगा और फिर से ऊर्जा दीजिएगा और अपनी पूरी शक्ति दीजिएगा मुझे कि हर घरों में हो धर्म का मान, गुरुजनों का भी बड़ा सम्मान था, गुरुजनों का भी बड़ा सम्मान था, हर घरों में होता उनका मान था, हर घरों में होता उनका मान था। अब तो भगवा देश भी बदनाम है, अब तो भगवा देश भी बदनाम है, राम की कुटिया में आशा राम है। वाह 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 वाह, राम की कुटिया में। बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत सुंदर। पुण्य का सूरज ही ढलता जा रहा, आदमी प्रतिदिन बदलता जा रहा। बढ़िया, हम सब चाहते हैं कि हमारे यहां श्रवण जैसा सत्र हो, लेकिन दशरथ बनना कोई नहीं चाहता। श्रवण तो सब चाहते हैं, लेकिन दशरथ की भूमिका में कोई नहीं आना चाहता है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि पहले परिवारों में अपने आप थे, पहले परिवारों में अपने आप थे, श्रवण जैसे पुत्र दशरथ बाप थे, भाई भाई में अनोखा प्यार था, भाई भाई में अनोखा प्यार था, गांव अपना पूरा एक परिवार था, बूढ़े दादा मुखिया पूरे गांव के, बूढ़े दादा मुखिया पूरे गांव के, मानो वो बरगद की शीतल छाम थे, मानो वो बरगद की शीतल छाम थे। मूसा पत्थर पिघलता जा रहा, आदमी प्रतिदिन बदलता जा रहा, मिल के सब छप्पर उठाते थे यहाँ, भले वो हमारी गरीबी का ही कारण क्यों न रहा, हम सब छप्पर उठाते थे तो एक दूसरे के यहाँ हूर करने जाते कि अगर हमारे यहाँ कोई छप्पर उठाने आया है तो हम भी उसके यहाँ छप्पर उठाने जाते थे, और मिलजुल कर छप्पर उठाते थे, एक साथ मिलजुल करके एकता के भाव पैदा करते थे। वो संस्कृति चली गई तो हमारी एकता भी जा रही है। निवेदन करता हूँ कि मिल के सब छप्पर उठाते थे यहाँ, प्रेम की गंगा नहाते थे यहाँ, एकता थी हिंद के इंसान में, एकता थी हिंद के इंसान में, मित्रता थी राम और रहमान में, मित्रता थी राम और रहमान में, सबके घर जाते थे सब त्योहार में, सबके घर जाते थे सब त्योहार में, कितना मीठापन रहा व्यवहार में, कितना मीठापन रहा व्यवहार में, अब तो उन रस्मों से प्राणी दूर है, अब तो उन रस्मों से प्राणी दूर है, अपने अपने में सभी मजबूर है, अपने अपने में सभी मजबूर है, आज मन जिस उगलता जा रहा, आदमी प्रतिदिन बदलता जा रहा। बहुत बढ़िया, आज गंगा मैया मैली हो गई, कोई मैला करने नहीं आया, हम सब ने गंदगी फैलाई है, तब जाके मोहन मुंतजिर वहां नहाए हैं, लेकिन हम सब उसमें जिम्मेदार हैं। जब गंगा की सफाई के लिए अरबों खरबों खर्च होता है,
सरकारें उसके नाम पर कितना पैसा इधर से उधर कर देती है, कुछ तो पैसा गंगा की सफाई में लगता है, कुछ अपनी सफाई में लगता है। लेकिन अगर हम सब सचेत हो जाएं तो ऐसी स्थिति ही न उत्पन्न हो। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आज गंगा मैया मैली हो गई, आज गंगा मैया मैली हो गई, मानव की ममता विशैली हो गई, गऊ माँ की रोज हत्या हो रही, गऊ माँ की रोज हत्या हो रही, बेटियों की भी समस्या हो रही, बेटियों की भी समस्या हो रही, नारियां प्रतिदिन सताई जा रही, आए दिन प्रतिदिन जलाई जा रही, आए दिन प्रतिदिन जलाई जा रही, आस्ती के सांप ही कुछ जस रहे, आस्ती के सांप ही कुछ जस रहे, अपने करतूतों पे ही कुछ हंस रहे, अपने करतूतों पे ही कुछ हंस रहे, पाव अंगद का फिसलता जा रहा, आदमी प्रतिदिन बदलता बहुत अच्छे आचरण मानव का गिरता। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं और ईश्वर से अपने आराध्य से एक वंदना करता हूं कि अगर मुझे ईश्वर ने इस धरती पर जन्म दिया है, अगर मेरा कुछ योगदान हो सके इस धरती के लिए, इस अपनी माँ के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, तो मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं करूं, ऐसे मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे। निवेदन करता हूं कि फिर से तुम दाता मुझे वरदान दो, फिर से तुम दाता मुझे वरदान दो, दूर कर अज्ञान को मम ज्ञान दो, दूर कर अज्ञान को मम ज्ञान दो, भावों में उपकार का उद्देश्य हो, भावों में उपकार का उद्देश्य हो, दर्द हो स्नेह का संदेश हो, दर्द हो स्नेह का संदेश हो, मान हो सम्मान हो हर आदमी खुशहाल हो, मान हो सम्मान हो हर आदमी खुशहाल हो, एकता अखंडता भारत का ऊंचा भाल हो, एकता अखंडता भारत का ऊंचा भाल हो। अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं और इन अंतिम पंक्तियों पर भरपूर आशीर्वाद से भरपूर तालियों के साथ विदाई दीजिएगा। अंतिम पंक्तियां निवेदन करता हूं कि है एक सूरज, एक सूरज एक चंदा, एक सूरज एक चंदा और गंगा एक है, एक सूरज एक चंदा और गंगा एक है, सब एक रिश्तों में बंधे सबका तिरंगा एक है, सब एक बहुत बढ़िया। सब एक रिश्तों में बंधे सबका तिरंगा एक है, एकता के गीत खंजन गा रहा, आदमी प्रतिदिन बदलता जा रहा, आचरण मानव का गिरता जा। अंतिम पंक्तियां, सिर्फ गंगा नहाने से जिस ढंग से मैं मुक्तक करता हूँ, आज मैंने एक भी मुक्तक नहीं पढ़े हैं। कुलदीप जी पहली बार आए हैं, हमको सुन रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि एक नमूना आप तक सौंपता हूँ। अरे बिल्कुल। गंगा नहाने से कोई निर्मल नहीं होता, सिर्फ गंगा नहाने से कोई निर्मल नहीं होता, दुखी जन शाप दे जो वो कभी निष्फल नहीं होता, दुखी जन शाप दे जो वो कभी निष्फल नहीं होता, हमारे भाग्य का यज्ञ कर्म से निर्धारण न होता तो, हमारे भाग्य का यज्ञ कर्म से निर्धारण न होता तो,
राम का वनगमन सीता के संग में छल नहीं होता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह कवि सम्मेलन के और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।